दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। अंडा फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक? दोस्तों अक्सर आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा, अंडा बड़ा ही फायदेमंद होता है। लेकिन आज हम आपको अंडे की एक ऐसी सच्चाई बताएंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और जो बातें आज हम आपको बताने वाले हैं वो पूरी तरह से डॉक्टर से सर्टिफाइड है। जहां आज हम आपको अंडे के फायदे तो बताएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे किस तरह ये आपकी जान का दुश्मन बन सकता है। इसलिए अगर आप अंडा खाने को लेकर कंफ्यूज है तो इस वीडियो को मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ एंड तक देखना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अंडे के बारे में लोग ये तो कहते हैं कि ये बड़ा फायदेमंद होता है, पर ये भी माना जाता है कि अंडे का जो पीला वाला हिस्सा होता है वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। और अगर सच बताएं तो ये मान्यता बिल्कुल सही है, अंडे का पीले वाला हिस्सा नुकसानदायक है क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है। अगर हम 50 ग्राम का एक अंडा लेते हैं तो उसमें 184 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, और ये बात तो आप भी अच्छे से जानते होंगे कि कोलेस्ट्रॉल कितना ज्यादा खतरनाक है, जो दिल से जुड़ी बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है। और इसीलिए डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी में डालते हैं तो वो 10 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और शायद आपको यकीन ना हो, ये 10 मिलीग्राम जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है ये आपके दूध से ही पर्याप्त हो जाती है। अब अगर आप दिल से जुड़ी किसी बीमारी के मरीज हैं तो भूलकर भी आपको अंडा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अंडे का थोड़ा विश्लेषण करें तो एक 50 ग्राम के अंडे में 78 कैलोरीज होती है, और अगर हम 100 ग्राम का एक अंडा लेते हैं तो उसके अंदर 155 कैलोरीज पाई जाती है। और अगर बाकी चीजों के बारे में बात करें तो 50 ग्राम अंडे में 6 ग्राम तो प्रोटीन होता है, 5 ग्राम फैट होता है, इसमें सोडियम पोटेशियम कोलेस्ट्रॉल तो बहुत बड़ी मात्रा में होता ही है। अब अगर हम इसे तोड़ कर देखें तो अंडे का पीला वाला भाग होता है जिसे अंडे की जर्दी कहते हैं, वो 50 ग्राम अंडे में लगभग 17 ग्राम होता है। अब आप सोच लीजिए उस 17 ग्राम अंडे की जर्दी में 184 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। अगर आप एक अंडे की जर्दी को खाते हैं तो 18 दिनों का कोलेस्ट्रॉल एक ही समय में आपके अंदर चला जाता है, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए तो मान लीजिए ठीक है और उन्हें अभी तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो बीमार लोग हैं और जिन्हें कोलेस्ट्रॉल खाना बिल्कुल मना है, उनके लिए किसी जहर से कम नहीं है। और सिर्फ बीमार लोग ही क्यों, ये जो धीरे धीरे हम अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और फैट की मात्रा को बढ़ाते हैं, यही चीज आगे चलकर हमारे लिए बीमारियां पैदा करती है। अगर हम अभी से इन चीजों से बच जाएं और अपने शरीर में हेल्दी फूड आइटम डालने की कोशिश करें तो हम आगे आने वाली बीमारियों और उनसे होने वाले खर्चों से बड़े आराम से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप अंडे के फायदे के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका जो सफेद वाला हिस्सा होता है ये सच में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। पहली बात तो इसमें अच्छा खासा प्रोटीन होता है। जी हाँ, अंडे की जर्दी से ज्यादा प्रोटीन आपको इसे सफेद वाले हिस्से में देखने को मिलता है। ऊपर से इसके अंदर ना ही फैट होता है ना ही कोलेस्ट्रॉल होता है, ऊपर से इसके अंदर कैलोरीज भी कम होती है। यानी जो लोग अपना वजन घटाना चाहते हैं और बॉडी में प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा डालना चाहते हैं, उनके लिए तो अंडे का ये सफेद वाला हिस्सा सच में कमाल का है, जिसे आप अपने डाइट के हिसाब से खा सकते हैं। ऊपर से इस सफेद वाले हिस्से में सोडियम और पोटेशियम भी होता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और हमारे जो मसल्स का कंस्ट्रक्शन होता है उसे भी बेहतर बनाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को भी सोडियम पोटेशियम दोनों की जरूरत पड़ती है। और ये दोनों ही चीजें हमें अंडे के इस सफेद वाले हिस्से से मिल जाती है। एग व्हाइट से हमें ये भी फायदा होता है कि इसमें काफी अच्छी खासी अमाउंट में पोटेशियम होता है, जिसमें आपको 54 मिलीग्राम पोटेशियम मिल जाएगा। जी हाँ, इतना पोटेशियम आपको केवल एक अंडे में मिल जाएगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी हड्डियां मजबूत होती है बल्कि इससे हार्ट भी हेल्दी रहता है, यहाँ तक कि ये बॉडी के लगभग हर पार्ट की फंक्शनिंग में मदद करता है। और दोस्तों, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो वो इंसान अंडे का ये सफेद वाला हिस्सा खा सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर को लो करने का काम करता है। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहें तो आप अंडे के सफेद वाले हिस्से से कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उसको तोड़कर उसका ऑमलेट बनाएं या फिर उबाल कर अंडा खा लें, ये हर तरह से फायदेमंद ही है। बस उसका जो पीले वाला हिस्सा है उसे निकाल कर साइड में कर दें, क्योंकि वो आपके लिए काम का नहीं है, खास करके तब जब आप ऑलरेडी तरह तरह की बीमारियों से जूझ रहे हो या फिर मोटापे का शिकार हो। और बहुत से लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि मीट मत खाओ, पर दोस्तों आप मानेंगे नहीं, अंडा मीट से भी ज्यादा खराब होता है।
क्योंकि 100 ग्राम मीट को आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होने में जितना समय लगता है उससे 3 गुना ज्यादा समय अंडा आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, जो कि आपकी पूरी बॉडी फंक्शनिंग को काम पर लगा देता है और इसमें पाया जाने वाला फैट और कोलेस्ट्रॉल नुकसान करता है। सो अलग अब बहुत से ऐसे लोग आपके सामने आ जाएंगे जो आपको बोलेंगे, इतने से अंडे से कुछ नहीं होगा, इसके पीले वाला हिस्सा क्यों निकालना है, इसे भी खा लो वगैरह वगैरह। पर दोस्तों इस मामले में हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, आपकी सेहत आपके हाथों में है। आप फिर चाहे उस अंडे की जर्दी को खाकर खराब करना चाहते हैं या फिर उसके सफेद वाले हिस्से को खाकर अपने आप को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, ये फैसला आपका है। और अगर आपको खाने के लिए देसी अंडा मिल जाए तब तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि देसी अंडा पूरी तरह से शुद्ध होता है जो नेचुरल तरीके से ग्रो होने वाली मुर्गियां देती है। हाँ भले ये ब्रॉयलर अंडे से थोड़ा महंगा मिलता है लेकिन उससे काफी हद तक हेल्दी भी तो होता है, जिसे अगर आप खाते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो ब्रॉयलर अंडे होते हैं वो दवाइयां देकर तैयार की गई मुर्गियों से निकलते हैं और उनकी बॉडी में जो एंटीबायोटिक्स जाते हैं उसका असर अंडे के अंदर भी देखने को मिलता है, जो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। बाकी उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।